आपके अपनों ने आपको धक्का मारा डुबाने के लिए, लेकिन फायदा यह हुआ कि आप तैरना सीख गए। जो चीज आपको चैलेंज कर सकती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आग बंद करके विश्वास करते हैं। हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा। सब्र रख ए दोस्त, वक्त तेरा भी आएगा। जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है, इसलिए मैं समझाता हूँ, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में काम करो ऐसा कि तुम लोगों को नहीं, ये लोग तुम्हें फॉलो करें। समझे नहीं समझे? जीतने का मजा तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। उन्हें इंतजार करने दो और समय आने पर दिखा दो अपना दम। बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ लेना कि धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समंदर कभी सूखा नहीं करते। उम्मीदों से बना एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से। हमने हर दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया? लोगों को लगता है कि हमें तकलीफ ही नहीं होती। उनकी औकात ही क्या थी हमें धोखा देने की? वो तो हमने मौका दिया इसलिए उन्होंने हमें धोखा दिया। बहुत सोचना पड़ता है हम मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब लोग रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाते हैं। इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। जब कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें आप जवाब नहीं देते हैं उन्हें खुदा जवाब देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वो सिर्फ इतिहास पढ़ता है। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। जिंदगी में यदि कभी बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का कभी पता ही नहीं चलता। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। इस दुनिया में हम शायद दोबारा ना आए, इसलिए इस जिंदगी को ऐसे जी लो कि दोबारा आने की कोई ख्वाहिश ना रहे। सफलता भी फीकी लगने लगती है जब कोई अपना बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी अच्छी लगने लगती है यदि अपने साथ हो। औकात का तो वक्त आने पर पता चलता है। रात को गीदड़ कितना भी चिल्ला ले, सुबह तो शेर का ही दबदबा होता है। सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आपकी सफलता ही आपके दुश्मन के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो तुम दूसरों से लिखवा लो।